दोस्तों गर्मियाँ आ गई हैं और ऐसे में क्यों ना हम ऐसे प्राणायाम का अभ्यास सीखें जिनसे कि हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से ठंडा रह सके। एसी, कूलर, पंखे तो बहुत इस्तेमाल करेंगे हम, लेकिन गर्मी जब भीषण हो जाती है तो ये सारे उपकरण भी एक वक्त के बाद फेल हो जाते हैं। तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप 5 ऐसे प्राणायाम का अभ्यास इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी, जिनको निरंतर करते रहते हैं तो ना सिर्फ आपको गर्मी नहीं लगती है बल्कि इसके और सारे कई स्वास्थ्य लाभ हैं जो कि आपको आगे वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना करें, और साथ ही लाभ के साथ साथ सावधानियां भी बताऊंगी कि कौन कौन सी सावधानियां हैं इन प्राणायाम को करते वक्त आपको ध्यान में रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? अब समझ लेते हैं कि इन प्राणायाम का अभ्यास करने से हमें क्या स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे। सबसे पहला स्वास्थ्य लाभ तो ये हमारे शरीर को ठंडा करता है, कूलिंग इफेक्ट कर लाता है, हमारे मन मस्तिष्क को शांत करता है, काम डाउन करता है, नर्वस सिस्टम को काम डाउन करता है। इसके अलावा हमारे चेहरे पर फुड़िया, फुंसी, दाग, झाइयाँ इन सबको कम करता है, पेट की जो गर्मी है उसको कम करता है, एसिडिटी से जो परेशान होते हैं उनको ये प्राणायाम का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा आता है, हार्मोन इम्बैलेंस है, रात में नींद नहीं आती, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं गर्मी के टाइम पे, तो बिल्कुल अपना आपा खो देते हैं। कितना भी एसी, कूलर, पंखे में बैठ लें लेकिन फिर भी पसीने से नहा जैसे लेते हैं, तो इन प्राणायाम का अभ्यास करने से ये समस्याएं दूर होंगी और आप प्राकृतिक रूप से शांत और रिलैक्स रहेंगे। जब आप इन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो ये आपकी भूख और प्यास को कंट्रोल करता है, जिससे कि वेट मैनेजमेंट पे भी बहुत मददगार साबित होता है। और अगर इन प्राणायाम का अभ्यास जब आप उपवास रखते हैं, फास्ट करते हैं, उस वक्त करते हैं तो आपकी भूख और प्यास को यह अभ्यास कंट्रोल करके रखता है। अब जान लेते हैं सावधानियाँ। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर लो है, एनर्जी लो है, ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा शरीर में ऊर्जा नहीं है, तो इन प्राणायाम का अभ्यास कम से कम 5-7 राउंड ही करें, उससे ज़्यादा ना करें। अगर आपको पुरानी कब्ज़ है और आपका खाना अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो भी आपको इन प्राणायाम का अभ्यास बहुत लंबी देर तक नहीं करना चाहिए, 5-7 राउंड इज इनफ। तो आप जब प्राणायाम का अभ्यास करें सबसे पहले अपने बैठने के आसन पर ज़रूर ध्यान रखें। आप ऐसे आसन में बैठें जिसमें आप कंफर्टेबल हों। अगर ऐसे योगा मैट पर नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पर बैठ के आसानी से इन सभी प्रैक्टिसेस को किया जा सकता है, इन सभी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस प्राणायाम को किया जा सकता है। अभी मैं जिस आसन में बैठी हूँ ये वज्रासन है, आप चाहें तो सुखासन में भी बैठ सकते हैं। आगे जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब मैं सुखासन में भी बैठ के आपको अभ्यास करके बताऊंगी। वज्रासन में बैठे हुए दोनों हाथों को इस तरीके से अपने थाई के ऊपर रख लें, और चाहें तो इस तरीके से चिन्ह मुद्रा अडॉप्ट कर लें। ऐसे थंब को इंडेक्स फिंगर के साथ जोड़ा, बाकी की 3 उंगलियां बाहर की तरफ रखी, आँखों को बंद कर लिया। अब सबसे पहले अपने शरीर को काम डाउन करेंगे, रिलैक्स करेंगे, नाक से सांस लेंगे और मुंह से सांस को फूंक मार के छोड़ देंगे। नाक से सांस लेंगे, फिर से नाक से सांस लेंगे, 2 बार और, 1 बार और। ऐसा करते ही आप एक इंस्टेंट रिलैक्सेशन महसूस करेंगे। अब इसका अभ्यास आप कम से कम 5 बार 7 बार 9 बार जितनी बार आपको करना है उतनी बार कर लें। अब सबसे पहला प्राणायाम का अभ्यास जो हम कर रहे हैं इसका नाम है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम या कूलिंग प्राणायाम के नाम से जानते हैं इसको। इसमें आप क्या करेंगे कि अपनी जीभ को बाहर निकालेंगे, ट्यूब बनाएंगे, मुंह से सांस को खींचेंगे, पेट पर सांस को भर लेंगे, फिर दाहिनी नासिका को बंद करेंगे और बाईं नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे। अब मैं आपको करके बता रही हूँ शीतली का अभ्यास। जीभ को बाहर स्ट्रेच किया, ट्यूब बना लिया, मुंह से सांस लिया,
सांस को पेट पर भर लिया, गटक गया जैसे पानी पीते हैं, फिर उसके बाद अपनी दाहिनी नासिका यानी राइट नॉस्ट्रिल को राइट थंब से बंद किया और लेफ्ट से सांस को छोड़ दिया। फिर से देखें, पी गए, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से सांस छोड़ें, फिर से एक बार और, इस तरीके से। गलती क्या नहीं करनी है इस प्राणायाम का अभ्यास करते वक्त, कि बहुत से स्टूडेंट जब सांस खींचते हैं इस तरीके से खींचेंगे, बहुत जोर से नहीं खींचना है, बहुत आराम आराम से। अब इसमें होता क्या है कि जब आप मुंह से सांस को खींचते हैं तो जो मुंह में लार है, सलाइवा है, इससे बाहर की जो गर्म सांस है मुंह से होती हुई जब पेट पर जाती है तो ठंडा हो जा ठंडापन आ जाता है, और पेट पर जब गई तो पेट की जो गर्मी है उसको लेते हुए अब वो गर्म जो सांस है उसको हम राइट नॉस्ट्रिल, जो कि गर्म नॉस्ट्रिल है, सूर्य नॉस्ट्रिल है, तो उसको बंद करके अपनी चंद्र नासिका से सांस को बाहर छोड़ रहे हैं। मुंह से सांस ली, बाहर की जो सांस है लार से टकराई, ठंडी हो गई, मुँह अंदर गई, बॉडी के पेट तक भर ली सांस को, गटक लिया, और गरम गरम सांसों को अपनी ठंडी नासिका यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़ दिया। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को जूम के माध्यम से संचालित किया जाता है, जिससे देश और दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हों आप, मेरी निगरानी में रह के हर दिन अलग अलग तरीके के योगासन, प्राणायाम, ध्यान, रिलैक्सेशन, यौगिक क्रिया, बहुत सी चीज़ें आप सीख सकें, वो भी स्टेप बाय स्टेप। और आप अगर सोच रहे होंगे कि ये क्लासेस कौन ज्वाइन कर सकता है, कोई भी, अगर आप बिगनर हैं, ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं, या कि आपको कोई हेल्थ कंडीशन है जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, अत्यधिक मानसिक तनाव, पीसीओडी, पीसीओएस का प्रॉब्लम, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, जिनाइटल से रिलेटेड कोई भी समस्याएँ हैं, इन समस्याओं में ये ऑनलाइन योगा क्लासेस बहुत ही लाभदायक साबित हुई हैं मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को। आई हाईली रिकमेंड दीज योगा क्लासेस, कि आप इनको ज़रूर ज्वाइन करें। अगर इन योगा क्लासेस को जूम के माध्यम से आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैंने कुछ ऐसे कोर्स डिज़ाइन किए हैं जिसमें कि एक घंटे की ड्यूरेशन की ये कोर्सेस की क्लास हैं हर एक क्लास, और इनको प्ले करके अपने घर के कंफर्ट जोन में ही बैठे बैठे आप आराम से योगा अभ्यास कर सकते हैं, है ना, बहुत अच्छी बात। और ये क्लासेस, ये कोर्स में जो क्लासेस हैं ये भी कम्प्लीटली बिगनर फ्रेंडली हैं, और इसको आसानी से वीडियो के माध्यम से आप फॉलो करके प्रैक्टिस कर लेंगे। इसमें भी आप आसन प्रैक्टिस करेंगे, प्राणायाम प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान प्रैक्टिस करेंगे, जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इन क्लासेस और कोर्स के बारे में बाकी जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट शेयर कर दी है जो कि है www.yogawithshahida.com, या कि फिर यहाँ पर मैंने एक व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर भी जाकर आप एक मैसेज करके पूरी की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। बहुत से लोगों के लिए ऐसे जीभ को मोड़ना इतना आसान नहीं होता, मोड़ ही नहीं पाते क्योंकि जीभ इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती है, तो क्या कर सकते हैं कि दांत को ऐसे जोड़ सकते हैं, शीतली ना हो तो आप शीतकारी का अभ्यास करें, ऐसे अपर पैलेट और लोअर पैलेट को ऐसे साथ में जोड़ लें और फिर मुंह से सांस को खींचें, पी जाएं सांस को, फिर राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ दें, बहुत धीरे धीरे, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से, फिर से मुंह से सांस को खींचें। हाँ, बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग अपनी आंखें नहीं बंद करते हैं, तो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप आंखें बंद करके इन सारे प्रोसेस को देखते हुए अभ्यास करें बंद आंखों से, सो दैट कि आपकी जागरूकता बढ़े, अवेयरनेस बढ़े। आंखों को बंद कर लिया, मुंह से सांस खींच रहे हैं, पी जाएं, मुंह बंद कर लें,
पेट तक सांस भर गई, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से सांस को छोड़ें। एक बार और देखें, जितना धीरे सांस छोड़ सकते हैं उतना ही अच्छा है। इस तरीके से। और अब इस प्राणायाम का अभ्यास करते वक्त भी वही गलती जो करते हैं कि मुंह से सांस को बहुत जोर से खींचते हैं, तो ये जोर से खींचना नहीं करना है, बल्कि आराम से करना है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के ना दांत में गैप होता है, दांत टूट जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके से सांस लेने में बड़ी दिक्कत आती है। तो इसका अल्टरनेट है कि आप काकी प्राणायाम का अभ्यास करें। काकी यानी कौवे की तरह अपनी मुंह का पाउट बनाना है और मुंह से सांस को खींचना है। इन तीनों प्राणायाम में हमारी सलाइवा जो है वो कूलिंग का काम कर रही है, मुंह में सलाइवा जो है कूलिंग का काम कर रही है, और सांस अंदर जाने से फिर वो गर्म सांसें बाहर निकालने का काम कर रही है। तो काकी किस तरीके से करेंगे, मुंह का पाउट बनाएं, पी जाएं सांस को, और फिर अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट से सांस को छोड़ दें। बहुत धीरे 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 सांस छोड़ दी। फिर से मुंह से सांस को खींचें, पी जाएं सांस को, और फिर दाहिनी नासिका को बंद करें, बाईं नासिका से सांस को छोड़ दें। बहुत धीरे 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 ऐसा। तो जब बहुत गर्मी के दिन हैं तो इसका अभ्यास 5 से 10 मिनट कर लें। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, एंजाइटी है, हार्ट कंडीशन है, या कि फिर ऐसे लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा मूव नहीं हो सकते हैं, उनकी दवाइयाँ चल रही हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो ऐसे लोगों को इन प्राणायाम को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए। यानी अगर आप 2 से 3 टाइम कर लेते हैं तो और भी ज़्यादा आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे। अब बढ़ रहे हैं अगले प्राणायाम के अभ्यास की तरफ। अब अगला अभ्यास जो हम करेंगे इसको कहते हैं डॉग ब्रीदिंग। डॉग ब्रीदिंग का अभ्यास करने के लिए आपको सबसे पहले वज्रासन में बैठना है। थोड़ा सा, बहुत देर से वज्रासन में बैठे थे, अब पैरों को रिलीज कर लिया इस तरीके से। अब एक एक करके घुटनों को ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे इस तरीके से ऐसे मोड़ेंगे। फिर उसके बाद दोनों हाथों को इस तरीके से मैट पर रखेंगे ऐसे। अगर आपके साथ घुटनों में किसी भी तरीके का दर्द नहीं है तो ही वज्रासन में बैठें, और अगर घुटनों में दर्द है तो आप कुर्सी में बैठें या सुखासन में बैठें, या आपको जैसे बैठने में कंफर्ट महसूस होता है वैसे बैठें। लेकिन अगर आप आसानी से वज्रासन में बैठ जाते हैं तो अच्छी बात है। आप चाहें तो घुटनों को भी ऐसे खोल सकते हैं और हाथ को अंदर रख सकते हैं इस तरीके से ऐसे। और फिर आपने देखा होगा कि जब कुत्ते सांस लेते और छोड़ते हैं तो कैसे जबान को बाहर निकालते हैं ऐसे। पेट फ्री रखना है, सांस को जबान को बाहर निकालते हैं ऐसे, और फिर मुंह से रैपिडली इनहलेशन और एक्सहलेशन करना है। कैसे? देखा है कि कुत्तों का शरीर कितना गर्म रहता है और वो इस तरीके से सांस लेते और छोड़ते हैं जिससे कि उनको ठंडक मिलती है। तो इसी तरीके का अभ्यास करके हमारे शरीर को भी ठंडक मिलेगी। इसका अभ्यास कम से कम आप 2 से 3 मिनट कर लें, यानी कि 30 सेकेंड या 1 मिनट का 1 राउंड कर लें और इसके 3 सेट आप रिपीट कर लें। फिर से देखें, अपने हाथ को चाहे तो घुटने पर रख, घुटने के ऐसे बाहर रख लें अगर बहुत दिक्कत आ रही है इस तरीके से, या कि फिर अगर आप ऐसे नहीं बैठ सकते हैं तो पालती मार के बैठ जाएं ऐसे इस तरीके से। हाथ को ऐसे आगे की तरफ रखें, जीभ को बाहर निकालें ऐसे ऐसे, जीभ को बाहर निकालें और ऐसे, जीभ को बाहर निकालें एंड कंटिन्यू। ये
एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि ये सारे प्राणायाम का जब आप अभ्यास कर रहे हैं तो ऐसी जगह पर अभ्यास करें जहाँ पर साफ सफाई हो, बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो। और अगर आप ऐसे किसी शहर में रह रहे हो जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है तो अर्ली मॉर्निंग इनका अभ्यास कर लिया करें, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ जिसका नाम है भ्रमरी प्राणायाम। ये प्राणायाम हमारे मन मस्तिष्क को शांत करता है, नर्वस सिस्टम को काम डाउन करता है और हमें उत्साह से भरता है, क्योंकि इसके अभ्यास से हमारे शरीर में हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। तो हमें क्या करना है, भ्रमरी में हम अपने बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट होते हैं। इसके लिए हम अपने इन सेंस ऑर्गन्स को बंद करते हैं। हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं, आँख से देखते हैं वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है, कान से सुनते हैं वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है, जीभ से कुछ चीज़ टेस्ट करते हैं वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है, और नाक से कुछ सूंघते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है, स्किन में कुछ भी स्पर्श होता है तो वो इन्फॉर्मेशन भी हमारे ब्रेन तक जाती है। तो इन सारे सेंस ऑर्गन्स को डिस्कनेक्ट करके और फिर अपने अंतर्मुखी होने की कोशिश करेंगे। अपनी टंग को अपर पैलेट पर टच करेंगे, सारे सेंस ऑर्गन्स को बंद किया, उंगलियों की मदद से सांस लेंगे नाक से और भ्रमर की आवाज़ निकालेंगे, पतली आवाज़। गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए फिर से और जब इन अभ्यासों को कर लें तो दोनों हाथों को घुटने पर ड्रॉप कर दें, आंखों को तुरंत ना खोलें और कम से कम 5 से 10 मिनट शांत बैठे रहें। भ्रमरी के अभ्यास के तुरंत बाद आपके माथे पर एक झंझनाहट महसूस हो रही होगी, उस झंझनाहट को महसूस करें, उन वाइब्रेशंस को महसूस करें, इन इफ़ेक्ट को महसूस करें जो पूरे के पूरे फोरहेड रीजन पर आप हो रही है इन अभ्यास के बाद, और शांत बैठे हुए अपने माथे पर ध्यान लेके आएं और चिदाकाश को देखें। चिदाकाश क्या हुआ, जो आपके माथे के सामने पसरा हुआ आकाश। चिद मीन्स फोरहेड रीजन, आकाश मीन्स ओपन स्पेस। तो बंद आँखों से अपने माथे के सामने पसरा हुआ ये विशाल का इनफाइनाइट स्पेस को देखते रहें, ध्यान को अपने फोरहेड रीजन पर ही रखें, माथे पर ही रखें, और शरीर को बिना हिलाए डुलाए, आँखों को बिना खोले, पैरों में बिना किसी हरकत किए हुए शांत बैठे रहें कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए। जब आपके माथे पर इस झंझनाहट का इफ़ेक्ट कम होने लगे तो ध्यान को अपने सांसों के आने और जाने पर लगा दें और सांसों के आने और जाने को बंद आँखों से देखें। जान लेते हैं कि इन प्राणायाम का अभ्यास आपको कब करना है। इन प्राणायाम का अभ्यास वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सुबह सुबह कर लें तो बहुत अच्छी बात है, या तो शाम में भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। हाँ, इस अभ्यास को कितनी देर करना है, तो जो शीतली, शीतकारी और काकी प्राणायाम का अभ्यास मैंने बताया उसको आप कम से कम 5 से 10 मिनट ज़रूर से ज़रूर किया करें, ठीक है। और इसके अलावा आपको भ्रमरी का जो अभ्यास बताया, मिनिमम आपको 9 राउंड तो करना ही करना है। आपको जो डॉग ब्रीदिंग बताई थी उसका अभ्यास आप कम से कम 3 मिनट कर लें, यानी 1 मिनट किया फिर रुक गए, 1 मिनट किया रुक गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इतने ही अभ्यास करने, आप चाहें तो अपनी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से, आपके योगा टीचर आपको जितना बताएं तो उस हिसाब से आप अपने अभ्यास का जो ड्यूरेशन है उसको घटा या बढ़ा सकते हैं।
ये भोलू है, बोलू सबको हेलो बोलो। तो देखा आपने स्टेप बाय स्टेप मैंने कितनी आसानी से आपको ये सारे प्राणायाम का अभ्यास सिखाया। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी दी गई है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर शेयर करना भूल गए हैं तो भी अभी इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए, ताकि इस गर्मी से उनको राहत मिल सके। निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए। अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलूंगी। आप सभी का शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए। नमस्ते।